देखें फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड वैरायटी के जो मैरीगोल्ड थे ये मैंने घर पे लगाए थे सीड से, और आप देख सकते हैं कितने भर भर के ये आए हैं। कितने सुंदर इसके फूल लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे। इनकी फूलों को मैंने तोड़ा नहीं है, और जितने भी मैंने प्रभु को अर्पण किए ना सारे फूल, वो सब मैंने जो ऐसे छोटे छोटे लगे हैं मैंने इनमें से अर्पण किए हैं। इसको ना इसको हार्वेस्ट करने का मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। और कुछ एक मैंने यहाँ ये लगाए थे, कुछ एक मैंने यहाँ पे ये लगाए थे, और कुछ मैरीगोल्ड ऐसे भी मैंने लगाए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने कई वैरायटियाँ लगाई थी मैरीगोल्ड की। और आप देखिए मेरे पालक की क्या हाल है। मेरा जो पालक है ना, उसमें सीड आने लग गए हैं, तो अभी मैं इनमें सीड बनाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के लिए मैं सीड नहीं ख़रीदना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं पालक के सीड घर पे ही बना के और नेक्स्ट सीजन में फिर ग्रो करूँ। तो दो कंटेनर मैंने पालक के यहाँ लगाए थे, और एक मेरा अगर आपको दिखे तो बाउंड्री पे वो रहा। तो ये मैंने लगाए थे जो भी अब मेरे घर पे ही बीज बन जाएंगे, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हमें इसके जो फ्लावर सेव करना है नेक्स्ट सीजन के लिए, तो इसको आप सूखने दें बिल्कुल। जब ये फ्लावर बिल्कुल सूख जाएगा ना, तो इसके नीचे यहाँ पे अपने आप सीड बन जाएंगे, और वैसे बन भी जाते हैं। इस टाइम तक सीड इसमें बन चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए इस कंडीशन तक। तो जब ये ड्राई हो जाएंगे इसमें सीड बन चुके होंगे, और यही हर अब जब जो भी सीड पॉड होता है ना, जो हमें फ्लावर के लिए तैयार करने हैं, उसकी सीड उसकी सबकी एक ही वो रहती है क्या समझ गए होंगे। जितने भी हमें सीड चाहिए ना, सारे सीड पॉड को हमें नेचुरली सुखाना होता है। जब वो प्लांट में ही बिल्कुल सूख जाता है, तब समझिए कि वो हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए। अगर इसको मैं अभी तोड़ के और अभी अगर मुझे नेक्स्ट अभी के अभी मुझे तुरंत उगाने हैं, तो मैं इसको अभी तोड़ के हार्वेस्ट करके और इसको बिखेर सकती हूँ, तो ये तुरंत नया पौधा बन जाएगा। लेकिन मुझे अभी तुरंत नहीं उगाना है, अब मुझे नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करके रखना है, तो वो मैं ऐसे करूँगी। और मैंने जब इसकी मिट्टी तैयार करी थी ना, मिट्टी में मैंने खूब सारा गोबर का खाद है, और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, गोबर का खाद, और मैंने कोई कोकोपीट वगैरह कुछ भी नहीं डाला फ्रेंड्स। मैं जस्ट सॉइल और क्या बोलते हैं गोबर का खाद, और एक क्या बोलते हैं उसको जैविक खाद, ठीक है, मैंने यही चीज़ डाली थी, जैविक खाद, गोबर का खाद और मिट्टी, यही से मैंने इसको अच्छे से तैयार किया था। और एक ही गमले में आप देख सकते हैं ना, मेरा ये एक ही गमला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसी के अंदर ये रोज़ और उसी के अंदर ये सारे मेरे टमाटर हैं, ये सब इसी में ही हो गए थे। अभी बस मेरे सारा जो भी है ना, वो सब का सीजन जाने वाला है, सब अब बाय बाय करने वाले हैं, और नए प्लांट्स का हम वेलकम करने वाले हैं। तो वही चीज़ मैंने बतानी है आपको, शेयर करनी है। और जो फ्लावर मैंने आप ये देखें, इसमें छोटी छोटी ना नई पौध भी तैयार हो गई है, ये देखें, क्योंकि मैंने ना फूल तोड़ तोड़ के और ऐसे ही गमलों में बिखेर दिए थे, तो नई पौध भी तैयार हो गई है।